एफडी से जरूरत नहीं है, आपका भर्ती का प्रक्रिया जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से होनी है वो हो ही नहीं रही। नहीं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपने टाइम बता दीजिए, प्रोफेसर आपला शर्मा का छोड़ दें, जिस समय से आप शिक्षा मंत्री बने हैं कितने टीचर भर्ती हुए? नहीं एग्जैक्ट मैं आपको नहीं अभी बता सकता कि कितने भर्ती है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं फिर वो डाटा लेके आपको। कितने टीचर्स की कमी है, चलिए बता। नहीं कमी है, मैंने आपसे मैंने इस बात को विधानसभा में भी स्वीकार किया था कि लगभग 34,000 के करीब जो थे टीचरों की कमी हमारे पास थी, लेकिन उसमें हम कुछ भर्ती जो है ये जो कोर्ट ने रोक रखी थी जैसे ही वो होगी कुछ की पूर्ति कर लेंगे, लेकिन जल्दी हम टीचरों की कमी को पूरा कर लेंगे। इसमें आप हमें कोई समयबद्ध कर सकते हैं कि एक साल में इतने टीचर्स भर्ती हो जाएंगे, दो साल में हो जाएंगे, तीन साल में हो जाएंगे? जैसे भर्ती शिक्षक बोर्ड एक अलग से बनाया गया था, वो केवल इसलिए बनाया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती नहीं करता। ये बिल्कुल सही बात है, मैंने वहां भी विश्वास दिलाया था कि इस एक साल के अंदर अंदर हम लगभग टीचरों की जो कमी है वो पूरी कर लेंगे। एक साल के अंदर अंदर हम टीचरों की जो कमी है वो पूरी कर देंगे। कमी का मतलब हम भर्ती कर लेंगे? हाँ भर्ती कर लेंगे। एक साल में टीचर्स भर्ती? हाँ बिल्कुल 34,000 लिखे हैं या 30,000? 34। अब देखिए जो आंकड़ा है वो 34 का है, जो कमी है वो 34 की है। तो आज हम ये खबर ली है 34,000 टीचर एक साल में भर्ती कर लेंगे? हाँ नहीं, वो टीचरों की कमी पूरी कर लेंगे। देखिये रेशनलाइजेशन करने से शायद कुछ उसमें अंतर आ जाए आंकड़े में, जो अभी आंकड़ा है वो 34,000 का है। रेशनलाइजेशन में कुछ थोड़ा फर्क पड़ सकता है। हाँ बस ठीक है, ठीक है आपकी बात कर देंगे। सर एक विधायक हैं बलराज कुंडू, वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को सरकार कर्ज लेकर के नीलामी के कगार पे लेके जा रही है और सरकार का मकसद है कि विश्वविद्यालय कर्जे में आ जाए और इनको नीलाम करना, स्थिति क्या है? नहीं देखिए सरकार की सोच है कि जो विश्वविद्यालय है वह स्वायत्त संस्था है और वो आर्थिक रूप से भी स्वायत्त बननी चाहिए। दुनिया में जो विश्वविद्यालय हैं वो जो उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं रा कहीं अच्छे स्थान पर पहुँच गए, कुछ वो लोग मदद करते हैं, कुछ समाज मदद करता है, कुछ वहाँ से वो सोर्स अपने एकत्रित करते हैं, उससे ही विश्वविद्यालय चलते हैं। और मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय के लिए अच्छा है, अगर आप उसको पंगु बढ़ाओगे आप ही की उसकी अगर वो निर्भर रहेगा तो निश्चित तौर से उसमें हस्तक्षेप भी रहेगा। अगर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, स्वेच्छा की तरफ बढ़ता है और वो अपने साधन उसमें ही पैदा करता है तो मैं समझता हूँ उसको भी काफ़ी स्वतंत्रता उसमें मिलेगी। इसमें कोई बंद करना नहीं है बल्कि मजबूत करना है कि धीरे धीरे मजबूत हो। नहीं अभी ग्रांट दे रहे लेकिन नहीं, ग्रांट हमने कोई बंद नहीं करी, हम दे रहे हैं अभी ग्रांट, लेकिन हम साथ साथ इसका जिक्र भी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि वो ताकि वो उस प्रकार का प्रयास करना शुरू करें। बिल्कुल नहीं, एचपीएससी की भर्ती होने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है इसमें। नहीं इससे स्वायत्तता पर क्या फर्क पड़ता है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उनकी छूट है कि वो उसको करें। मैं नहीं समझता कि अगर एचपीएससी में अगर प्रोफेसर की भर्ती होती है तो उससे कोई स्वायत्तता में कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी, जो उनके आंतरिक निर्णय है वो समय में लेते हैं, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रखती। गर्मियों की छुट्टियां क्या प्रीपोन की जा सकती है क्योंकि तापमान 47 से 48 डिग्री चला गया है, इसी महीने से छुट्टियां देने की तैयारी? देखिए ये हर बार इस प्रकार का होता है कि 47 से 48, लेकिन ये 47 से 48 काफी लंबे टाइम तक रहता है, 15 दिन में इसमें कोई फर्क खास पड़ता नहीं है कि 15 दिन में सारा तापमान ठीक हो जाए तो, लेकिन हाँ उसके हिसाब से जैसे छुट्टियाँ होती है उसके। अब इसका नाम गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, पर गर्मियों की छुट्टियाँ करोगे फिर 3 महीने करनी पड़ेगी, 3 महीने तो गर्मी रही रहेगी, आप इतना 3 महीने आप कर नहीं सकते। अब ये 47 टेम्परेचर जो है मैं कहता हूँ 2.5 महीने तो अपना पक्का ही रहेगा, तो वो तो एक छुट्टियाँ हैं बीच में करते हैं ठीक है जैसे ही वो आएगा। उसकी जगह पर जो नया विकल्प लिखे थे वो उसकी क्या स्थिति? देखिए उसमें हमने एक बात कही थी कि हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ बातचीत करके बच्चों का एडमिशन कराएंगे और वो प्रक्रिया शुरू है। अब मेरे पे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है अभी आपको देने के लिए कितनी भर्ती, लेकिन हमने उसके काफ़ी अच्छे जो हैं जो फीस जो है जो 300 हम पहले दे रहे थे वो 700 कर दी और जो पहले 500 दे रहे थे वो हमने 900 कर दी और जो 700 दे रहे थे वो हमने 1100 कर दी। तो मैं समझता हूँ इतनी फीस में काफ़ी स्कूल हैं जो एडमिशन करते हैं, जो बहुत ही हाई फाई स्कूल है उनको छोड़ के बाकी आम रूटीन में जो बीच के
स्कूल है वो सबके सब एडमिशन करने के लिए तैयार है। इसमें क्या मैंने पैमाना लगाया कि जो एडमिशन लेना चाहते उसको दे देंगे या कोई खर्ची? नहीं, 1,80,000 से जिनकी आमदन कम है वो उसमें जो टेस्ट लेके जो है उसमें एडमिशन कर। हाँ सर, नेक्स्ट साहब, आपके इलाके में सबसे बड़ी समस्या थी हैवी ट्रैफिक की, शायद आपको पता, आपको एक बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा उसके बाद। क्या समय क्या हैवी ट्रैफिक बंद हो चुका है या उस पर लगाम लगाई जा चुकी है? ऐसे काफ़ी जो यातायात की सुविधा उसको सुचारू करने के लिए जिला प्रशासन ने और हमने रोड सेफ्टी की मीटिंग में उस समस्या का समाधान किया है। सबसे पहला समाधान तो माइनिंग जोन से जो हैवी ट्रैफिक आता था, ओवरलोडेड ट्रैफिक कह लीजिए, हैवी ट्रैफिक कह लीजिए, वो हमने जगाधरी तिकोनी के पास से दादूपुर नलवी नहर के ऊपर एक सड़क का निर्माण किया है जो सीधा पंचकुला कलानौर हाईवे के ऊपर आकर मिलता है। तो बाजार से और यमुनानगर के बीचों बीच जो DC ऑफिस के सामने से सड़क है, वहाँ पर से जो ट्रैफिक आता था उसके ऊपर हमने नियंत्रण कर लिया है और वो सारा ट्रैफिक जो है बारोबार जाता है। और फिर जो अपना ट्रैफिक पुलिस है या यातायात को सुचारू रखने के लिए जो विभाग हमने बनाया हुआ है वो भी इसमें हमारा काफ़ी सहयोग करता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% नियंत्रण कर लिया गया है, परंतु जो एक बहुत बड़ी समस्या थी उसका समाधान कर लिया गया है। मंत्री जी, आपके एरिया में रूरल भी थोड़ा सा पड़ता है, बढ़िया ठीक है। देखिए, बिजली का एक दौर रहा जिसमें काफ़ी दिक्कत आई, ट्रिपिंग भी चलती रही और उसका कारण मुख्य रूप से ये था कि गर्मियां जो हैं वो 15 दिन एडवांस थी और 15 दिन एडवांस होने का मतलब है इतने AC और दूसरे चले क्योंकि उसकी वजह से आई। लेकिन आज की तारीख में बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। हैं, 15 दिन दिक्कत रही लेकिन अब ठीक है, इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोई कट नहीं गाँव में? नहीं, कोई कट नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है। नहीं, अगली बार जब पूछोगे तो फिर ले आऊँगा, मुझे ध्यान नहीं था कि आप पूछो। 4,000 करोड़ का जो आपने बताया था, ये घोषणा ही चारों विधानसभा क्षेत्र, ये चारों विधानसभा ने अनुमान बताया मैंने। देखिए, ये जो बात है, इतिहास जो है ना जी, इतिहास को आप शुगर कोटेड नहीं बना सकते कि आप मिट्टी मिट्टी बातें लिखेंगे, अगर कोई कड़वी है तो वो भी बात कही जा। जहां कांग्रेस को बहुत से श्रेय मिल रहे तो वहां कुछ गलतियां भी हुई हैं, उन गलतियों का भी जिक्र किया ही जाएगा।
वहीं अगर हम 562 रियासतों का जिक्र कर रहे हैं कि जिस कुशलता के साथ सरदार पटेल ने उनका विलय किया वो अपने आप में बेमिसाल है, तो वो भी कांग्रेस के ही नेता थे, इसी देश के उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर देश का विभाजन स्वीकार किया गया तो वो भी एक बड़ी गलती थी, तो उसमें भी जिक्र निश्चित तौर से होगा। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, एक रतन नेहरू, रतन आर के नेहरू थे, और जो मेरे ख्याल से 1955 से 1958 तक चाइना में हमारे राजदूत रहे, उनकी पत्नी है राजन नेहरू, उसने एक पुस्तक लिखी, मैंने वो पढ़ी, और उसने कहा कि जब अपने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी चाइना में गए तो उन्होंने का खाना रखा और वहाँ पर उनको जो उस टाइम माओ थे उनको बुलाया, जो वहाँ के चेयरमैन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत सी बातें बताई कि हमारा कल्चर हमारी संस्कृति कितनी महान है, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, वो सिगरेट ही पीते रहे, जो उसकी किताब में लिखा। और लास्ट में उसने एक बात कही कि जब आपका कल्चर आपकी संस्कृति इतनी महान थी तो आपने देश का विभाजन कैसे स्वीकार कर लिया, और उसने कहा माओ ने अगर आपकी जगह में होता तो मैं कभी भी इस विभाजन को स्वीकार नहीं करता। ये राजन नेहरू लिख रही, रतन नेहरू की पत्नी है, नेहरू जी के खानदान से ही है, तो वो लिख रही है। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो महाभारत में जब युद्ध समाप्त हो जा, युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर भीष्म पितामह जी के पास जा और उससे कहें कि हमें कोई ज्ञान दो क्योंकि अब राज हमने चलाना, तो भीष्म पितामह भी एक ही बात कहें, बात तो और भी कहें, तो ये बात उसको कहें कि कभी भी देश के विभाजन को स्वीकार न करना, परिस्थितियां कुछ भी हों। अगर परिस्थितियां ऐसी लगती है कि हाथ से निकल लग रही तो फिर कुरुक्षेत्र में आ जाइयो। कुरुक्षेत्र का मतलब है चाहे भले ही युद्ध ही करना पड़ जा लेकिन विभाजन स्वीकार किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। तो अगर विभाजन स्वीकार किया तो उसकी जिम्मेदारी उस टाइम के जो शासक है उनकी है, तो वो जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते। वही बात इतिहास में लिखी थी, वो सच्चाई है। इतिहास जो है वो घटी घटनाएं हैं, ना कि हमारी मर्जी से कोई लिखा जाएगा। क्या जी लकड़ी हाँ जी वहाँ दिक्कत है तो उसमें जो घोषणा करेंगे किस तरह का हुआ सर, उसके बाद जो आपने मुद्दा उठाया विधानसभा में कि नहीं, हमने इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी से जो उन्होंने हमसे कामों की सूची मांगी है, हमने उनसे निवेदन किया है कि यमुनानगर ज़िले में एक FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या कृषि वानिकी विश्वविद्यालय एग्रो फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी दी जाए, क्योंकि बोर्ड प्लाई उद्योग का हब होने के कारण यदि वहाँ लकड़ी की नई नई प्रजातियों की खोज की जाएगी तो वो उद्योग के लिए बहुत सहायक होगी। और इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन विभाग से और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से जानकारियाँ मांगी हैं और उन जानकारियों के आधार पर इस पर वो कोई निर्णय लेंगे। सर अभी करनाल में कुछ बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे टीचर्स नहीं है, स्थिति क्या आपके सामने आई, क्या पता किया बच्चों को टीचर मिल पाए या नहीं मिल पाए, या प्रदर्शन के पीछे किसी और का हाथ लगता है? उस स्कूल में तो टीचर मिला है और अभी हमने जो निर्णय लिया कि हम रजिस्ट्रेशन की जो पावर है वो हम DWO और DO दोनों को देने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जहाँ टीचर ज़्यादा हैं और दूसरी जगह अगर कहीं कम है तो निश्चित तौर से वो उसकी पूर्ति कर देंगे। ये मैं मानता हूँ कि टीचरों की हमारे पास कमी है लेकिन उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। मंत्री जी, ये जो बुक्स जो आप लोग देते हैं, अभी शिक्षा विभाग देता है, वो ज़्यादातर स्कूलों में क्या पहुँच रही है, टैबलेट कितने बांट दिए गए? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि गर्मियों की छुट्टियों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस आपने करी है वो किस तरह से रही, क्या उसका फायदा? देखिए, पुस्तकें जो पहली से तीसरी क्लास की हैं वो हमारी सारी पुस्तकें पहुँच गई हैं, और चौथी से आठवीं तक की जो पुस्तकें हैं उसके लिए हमने मीटिंग बुला ली, जो भी पुस्तक छापने वाले लोग हैं उनके साथ मीटिंग कर ली, और जुलाई तक हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारा का सारा हम कार्य पूरा कर लेंगे, और जैसे ही पुस्तकें छपती रहेंगी उसी प्रकार से वो उनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। टैबलेट एग्जैक्ट जो हैं वो 3 लाख से ज़्यादा हैं, कुछ एग्जैक्ट Thank you.
3,07,000 टैबलेट जो है हमने बांट दिए, और इस मास के अंत तक लगभग लगभग हम जितने भी हैं 5,00,000 हैं, वो 5,00,000 के 5,00,000 अगर उनकी संख्या और बढ़ती है तो वो भी हम खरीद के दोबारा उनको देंगे। 3,07,000 नहीं, केवल 10वीं से 12वीं ही ऑनलाइन लगेगी, उसमें दोनों लाभ रहेंगे कि जैसे अभी नए नए टैब भी मिले, बच्चों को भी उसका काफ़ी उत्साह है, सीखने का भी मन है बच्चों का भी, और उस उत्साह का लाभ उठाया जाए, बच्चों को भी खूब मन है और थोड़ा एक नया अनुभव है, तो नया अनुभव जो है इसमें हम उसमें काफ़ी ट्रेंड, बच्चे भी ट्रेंड होंगे और जो हमारे टीचर हैं उनको भी अच्छा उसमें। नहीं, इस पे कोई नेशनल एंथम पे मेरे ख्याल का कुछ ऐसा है नहीं, अगर वहाँ कुछ प्रकार की समस्या रही होगी तो मेरा ख्याल का यहाँ कोई इतनी समस्या है नहीं, अगर ऐसी बात होगी तो करने में कोई दिक्कत नहीं, नेशनल एंथम तो हर जगह गाया ही जाना चाहिए, उसमें क्या था, चाहे मदरसा है चाहे स्कूल है, सब जगह गाने में क्या दिक्कत। मैं अभी इसके बारे में पता कर लूंगा, अगर कोई ऐसी बात है तो कर देंगे इसको, कोई मैं नहीं समझता इसमें कोई किसी को भी कोई एतराज नहीं हो सकता, सब लोग इसके पक्ष में ही है। मैं तो जहां तक मेरी जानकारी है तो हमारे यहाँ तो मदरसों में 15 अगस्त मनाया जाता है और सारी जगह कार्यक्रम होते हैं, ऐसी कोई समस्या यहाँ है नहीं। 5 साल प्रोफेसर रामलाल शर्मा और 3-2.5 साल आप हो गए, 7 साल हो गए, इस 7 साल में स्कूलों में कितने टीचर भर्ती हो पाए? देखिए अब इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगी आपको, दे सकता मुझे आइडिया नहीं था ये प्रश्न आप पूछेंगे, लेकिन नहीं अभी हमारे कुछ TGT टीचर हैं उन पे एक रोग लगी थी, वो जो इंग्लिश इलेक्टिव वगैरह का एक उसमें थी, तो कोर्ट ने उसकी परमिशन दे दी और काफी अच्छी संख्या 3,000 से ज्यादा टीचर है जो कि अभी हम मुझे लगता है कि जल्दी हम उनको प्रोसेस पूरा कर लेंगे और ज्वाइन करा लेंगे। विधानसभा में जवाब देखा है अभी बजट सेशन में कि 40,000 के आसपास टीचर्स के हमारे पास जो स्कूल हैं, 40,000 टीचर्स की कमी का आप महत्व समझते हैं बहुत, क्योंकि आप बहुत और अलग टाइप के मंत्री हैं, बहुत प्रजा सब माइंड आपका ऐसा ठीक रहता है, बिना टीचर्स के हम शिक्षा क्या दे पाएंगे, हम शिक्षा नीति की बात करें 2025 में लागू कर देंगे बिना टीचर्स के? देखिए जो सैंक्शन पोस्ट है ये जो कमी उस प्रकार से बताई जाती है, जो सैंक्शन पोस्ट है उसके हिसाब से बताई जाती है, लेकिन जैसे अभी रेस्टोरेशन की हमने बात की तो काफ़ी समस्या का समाधान उसमें होगा, लेकिन हम प्रयासरत हैं, जैसे अभी मैंने आपसे TGT की बात कही तो काफ़ी टीचर 3,000 से ज़्यादा टीचर उसमें भर्ती हो जाएंगे, ये हो जाएगा, उनको ज्वाइन करा लेंगे, और भी कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको ज्वाइन कराने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि टीचर फिर भी हमारे पास कम है, हम प्रयासरत हैं जल्दी हमें जैसे ही मंजूरी मिलेगी तो हम जल्दी टीचरों की भर्ती कर लेंगे। नहीं देखिए वो तो FD से भी मंजूरी मिलती है, वहाँ से भी एक बात होती है, आपको किसी से परमिशन नहीं, आपकी सेक्शन पोस्ट पे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, क्या आपकी पोस्टें रद्द हो गई FD से? जरूरत है FD से? जरूरत नहीं है, आपका भर्ती का प्रक्रिया जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से होनी है वो हो ही नहीं रही। नहीं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं, एग्जैक्ट मैं आपको नहीं अभी बता सकता कि कितने भर्ती है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं फिर वो डाटा लेके आपको। नहीं कमी है, मैंने आपसे मैंने इस बात को विधानसभा में भी स्वीकार किया था कि लगभग 34,000 के करीब जो थे टीचरों की कमी हमारे पास थी, लेकिन उसमें हम कुछ भर्ती जो है ये जो कोर्ट ने रोक रखी थी जैसे ही वो होगी कुछ की पूर्ति कर लेंगे, लेकिन जल्दी हम टीचरों की कमी को पूरा कर लेंगे। इसमें आप हमें कोई समयबद्ध कर सकते हैं कि 1 साल में इतने टीचर्स भर्ती हो जाएंगे, 2 साल में हो जाएंगे, 3 साल में हो जाएंगे, जैसे भर्ती शिक्षक बोर्ड एक अलग से बनाया गया था वो केवल इसलिए बनाया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती नहीं करता। ये बिल्कुल सही बात है, मैंने वहां भी विश्वास दिलाया था कि इस 1 साल के अंदर अंदर हम लगभग टीचरों की जो कमी है वो पूरी कर लेंगे, 1 साल के अंदर अंदर हम टीचरों की जो कमी है वो पूरी कर देंगे। कमी का मतलब हम भर्ती कर लेंगे? हाँ भर्ती करेंगे। 1 साल में टीचर्स भर्ती? हाँ बिल्कुल 34,000 लिखे हैं या 30,000? 34, अब देखिए जो आंकड़ा है वो 34 का है, जो कमी है वो 34 की है। तो आज हम ये खबर ली है 34,000 टीचर 1 साल में भर्ती कर लेंगे? हाँ नहीं वो टीचरों की कमी पूरी कर लेंगे। होगी ना पूरे
देखिए रेशनलाइजेशन करने से शायद कुछ उसमें अंतर आ जाए आंकड़े में, जो अभी आंकड़ा है वो 34,000 का है। रेशनलाइजेशन में कुछ रेशनलाइजेशन में कुछ थोड़ा फर्क पड़ सकता है। हाँ बस ठीक है, ठीक है ठीक है, आपकी बात कर देंगे। सर एक विधायक हैं बलराज कुंडू, वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को सरकार कर्ज देकर के नीलामी के कगार पे लेके जा रही है और सरकार का मकसद है कि विश्वविद्यालय कर्जे में आ जाए और इनको नीलाम करना, स्थिति क्या है? नहीं देखिए सरकार की सोच है कि जो विश्वविद्यालय है वो स्वायत्त संस्था है और वो आर्थिक रूप से भी स्वायत्त बननी चाहिए। दुनिया में जो विश्वविद्यालय हैं वो जो उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं राग कहीं अच्छे स्थान पहुंच गए, कुछ वो लोग मदद करते हैं, कुछ समाज मदद करता है, कुछ वहाँ से वो सोर्स अपने एकत्रित करते हैं, उससे ही विश्वविद्यालय चलते हैं। और मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय के लिए अच्छा है अगर आप उसको पंगु बढ़ाओगे, आप ही की उसकी अगर वो निर्भर रहेगा तो निश्चित तौर से उसमें हस्तक्षेप भी रहेगा। अगर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, स्वच्छता की तरफ बढ़ता है और वो अपने साधन उसमें ही पैदा करता है तो मैं समझता हूँ उसको भी काफ़ी स्वतंत्रता उसमें मिलेगी। इसमें कोई बंद करना नहीं है बल्कि मजबूत करना है कि धीरे धीरे मजबूत हो। नहीं अभी ग्रांट दे रहे लेकिन नहीं, ग्रांट हमने कोई बंद नहीं करी, हम दे रहे हैं अभी ग्रांट लेकिन हम साथ साथ इसका जिक्र भी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि वो ताकि वो उस प्रकार का प्रयास करना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं एचपीएससी की भर्ती होने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है इसमें। नहीं इससे स्वायत्तता पर क्या फर्क पड़ता है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उनकी छूट है कि वो उसको करें। मैं नहीं समझता कि अगर एचपीएससी में अगर प्रोफेसर की भर्ती होती है तो उससे कोई स्वायत्तता में कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी, जो उनके आंतरिक निर्णय है वो समय में लेते हैं, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रखती। गर्मियों की छुट्टियां क्या प्रीपोन की जा सकती है क्योंकि तापमान 47 से 48 डिग्री चला गया कि इसी महीने छुट्टी क्या देने की तैयारी? देखिए ये हर बार इस प्रकार का होता है कि 47 से 48, लेकिन ये 47 से 48 काफी लंबे टाइम तक रहता है, 15 दिन में इसमें कोई फर्क खास पड़ता नहीं है कि 15 दिन में सारा तापमान ठीक हो जाए तो। लेकिन हाँ उसके हिसाब से जैसे छुट्टियाँ होती हैं उसके, अब इसका नाम गर्मियों की छुट्टियाँ हैं पर गर्मियों की छुट्टियाँ करोगे तो 3 महीने करनी पड़ेंगी, 3 महीने तो गर्मी रही रहेगी, आप इतना 3 महीने आप कर नहीं सकते। अब ये 47 टेम्परेचर जो है मैं कहता हूँ 2.5 महीने तो अपना पक्का ही रहेगा, तो वो तो एक छुट्टियाँ हैं बीच में करते हैं ठीक है जैसे ही वो आएगा। उसकी जगह पर जो नया विकल्प लेके आए थे वो उसकी क्या स्थिति? देखिए उसमें हमने एक बात कही थी कि हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ बातचीत करके बच्चों का एडमिशन कराएंगे और वो प्रक्रिया शुरू है। अब मेरे पे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है अभी आपको देने के लिए कितनी भर्ती, लेकिन हमने उसके काफ़ी अच्छे जो हैं जो फीस जो है जो 300 हम पहले दे रहे थे वो 700 कर दी और जो पहले 500 दे रहे थे वो हमने 900 कर दी और जो 700 दे रहे थे वो हमने 1100 कर दी। तो मैं समझता हूँ इतनी फीस में काफ़ी स्कूल हैं जो एडमिशन करते हैं, जो बहुत ही हाई फाई स्कूल हैं उनको छोड़ के बाकी आम रूटीन में जो बीच के स्कूल हैं वो सबके सब एडमिशन करने के लिए तैयार हैं। इसमें क्या हमने पैमाना लगाया कि जो एडमिशन लेना चाहते उसको दे देंगे या कुछ 25? नहीं 1,80,000 से जिनकी आमदन कम है वो ठीक है, 1,80,000 से नीचे वाले बच्चे जो भी हाँ उसमें जो टेस्ट लेके जो हैं उसमें एडमिशन करेंगे। हाँ सर नेक्स्ट साहब, आपके इलाके में सबसे बड़ी समस्या थी हैवी ट्रैफिक की, शायद आपको पता है आपको एक बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा उसके लिए, क्या समय क्या हैवी ट्रैफिक बंद हो चुका है या उस पर लगाम लगाई जा चुकी है? ऐसे काफ़ी जो यातायात की सुविधा उसको सुचारू करने के लिए जिला प्रशासन ने और हमने रोड सेफ्टी की मीटिंग में उस समस्या का समाधान किया है। सबसे पहला समाधान तो माइनिंग जोन से जो हैवी ट्रैफिक आता था, ओवरलोडेड ट्रैफिक कह लीजिए हैवी ट्रैफिक कह लीजिए, वो हमने जगाधरी तिकोनी के पास से दादूपुर नलवी नहर के ऊपर एक सड़क का निर्माण किया है जो सीधा पंचकुला कलानौर हाईवे के ऊपर आकर मिलता है। तो बाजार से और यमुनानगर के बीचों बीच जो डीसी ऑफिस के सामने से सड़क है वहाँ पर से जो ट्रैफिक आता था उसके ऊपर हमने नियंत्रण कर लिया है और वो सारा ट्रैफिक जो है बारोबार जाता है। और फिर जो अपना ट्रैफिक पुलिस है या यातायात को सुचारू रखने के लिए जो विभाग हमने बनाया हुआ है वो भी इसमें हमारा काफ़ी सहयोग करता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% नियंत्रण कर लिया गया है,
परंतु जो एक बहुत बड़ी समस्या थी उसका समाधान कर लिया गया। मंत्री जी, आपका एरिया में रूरल भी थोड़ा सा पड़ता है, बिजली की क्या स्थिति है? बढ़िया, ठीक है। देखिए, बिजली का एक दौर रहा जिसमें काफी दिक्कत आई, ट्रिपिंग भी चलती रही, और उसका कारण मुख्य रूप से ये था कि गर्मियाँ जो हैं वो 15 दिन एडवांस थी, और 15 दिन एडवांस होने का मतलब है इतने एसी और दूसरे चले क्योंकि उसकी वजह से आई। लेकिन आज की तारीख में बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। हैं, 15-20 दिन हाँ, 15 दिन दिक्कत रही, लेकिन अब ठीक है, इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोई कट नहीं गाँव में? नहीं, कोई कट नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है। नहीं, अगली बार जब पूछोगे तो फिर ले आऊँगा, मुझे ध्यान नहीं था कि आप कुछ।